ओके सो हे है वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सो कस कैसे हैं आप सभी आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे तो कैसे आज का जो हमारा कंसेप्ट है वीडियो का टाइटल तो हमें आप समझ गए होंगे तो कैसे इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड ग्राउंड का मैं यूज़ करूँगा सभी का लिंक आप सभी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा तो आप इजिली वीडियो देखना बस जगह डाउनलोड कर लेना सो so कस वीडियो हमारी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली तो चलिए गई आज किस वीडियो को बिना किस रिकॉर्ड के स्टार्ट कर लेते हैं सो so कश सबसे पहले आप सभी को करना क्या है गज आप भी को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है सो कश उसके बाद जाना आप सभी को एड फोटो में एड फोटो में जाने के बाद गज आप सभी को वहाँ से ले लेना ले है इस मॉडल के पी को अपने ठीक है एंड इस मॉडल के पी को लेने के बाद आप सभी को कुछ स्टेप्स ऐसे यहाँ पे ऐड कर लेना है ठीक है एंड ऐड करने के बाद गज यहाँ पे आप सभी को फिर क्या करना है आप सभी को यहाँ से चले जाना दोबारा से एड फोटो में डन नहीं करना है ठीक है अभी आपको ठीक है डन नहीं करना है एंड एड फोटो में जाना आपसे कोई कोई ब्लैक कलर का पी एन मिल जाएगा जैसे आपको ये लेना है एंड उसके बाद आपको ऐसे फुल स्क्रीन कर देना है इसको एंड उसके बाद जाना है पे रेजर टूल में यहाँ पे आप सबको इन्वर्ट कर देना है ब्रश को लेना है इसके साइज़ को भी कर देना है एंड उसके बाद आपको फोटो को जूम करना है एंड उसके बाद गए आपको अपने बैक साइड में कुछ इस टाइप से ऐसे पेंट करना है ठीक है ऐसे पेंट करना है एंड उसके बाद आपको फिर क्या करना आगे वो मैं बता देता हूँ एंड उसके बाद यहाँ पर डन करना है एंड इसकी जो ओपेसिटी होगी आपको उसको कम कर लेना है ठीक है शेडो शेडो के अकॉर्डिंग जितनी हमारी शेडो होती है फिर इसके रेजर टूल के ऊपर जो ऑप्शन दिख रहा है आपको उस पर जाना है एंड इसको मूव टू डाउन कर देना है ठीक है एंड उसके बाद इसकी ओपोजिट आप अपने हिसाब से रख लेना आपको जितनी शेड चाहिए उतनी रख लेना ठीक है तो आप इतना कर देने के बाद आप सभी को यहाँ पे क्या करना आप को देना आप डन अब आप सभी को फिर क्या कर नाप को गए यहाँ से चले जाना दोबारा एड फोटो में एंड एड फोटो में जाने के बाद गए यहाँ से आपको एक बटरफ्लाई का भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है इसका भी उसको आपको क्या करना को एक सिंपली इसको फोटो जूम करना है एंड उसके बाद अपने हैंड के पास कुछ इस टाइप से रखना है ठीक है एंड उसके बाद इसमें क्या करना आपको स्मीप शेडो बनानी तो आपको एक शेडो वाला ऑप्शन होगा आपके पिक साइड में आपको भी थर्ड वाले ऑप्शन पर चले जाना है वो सॉरी सेकंड वाले पे एंड उसके बाद इनके जो अमाउंट होंगे वो आपको हंड्रेड कुछ 100 100 तक 100, 100 कर देना है हंड्रेड या हंड्रेड इतने तक एंड उसका दो सबसे एडजस्ट वाले ऑप्शन में जाकर आपको सबसे ऊपर की तरफ इनको हंड्रेड हंड्रेड कर देना है इन दोनों को एंड आप देखिए गए परफेक्ट है मैं हम कर देंगे डन देन उसके बाद गए आपको क्या करना है आपसे आपको चले जाना ऐसे दोबारा एड फोटो में एंड ऐसे गए आपको एक बिगनेट का पी एन जी ले लेना है ठीक है एंड उसके बाद आपको फिर करना है आप इसको फुल साइज कर देना है कुछ टाइप से एंड कुछ इस टाइप से ऐड हो जाएगा दैन उसके बाद यहाँ पे आप आपको कर देना है इसको डन ओके गाइस इस इतना कर देने के बाद आप सबको अपनी इस फोटो को यहाँ पे सेव कर लेना है एंड इसको यहाँ से लेके चलना चलाइडो ऐप में क्योंकि यार जो भी हमारी रिटचिंग होगी वो वहीं पे होगी तो उसको यहाँ पर लाइटरू ऐप में लाने के बाद आपको जाना है स्लाइड वाले ऑप्शन में इसका जो कॉन्ट्रास होगा इसको आपको थोड़ा सा बढ़ा देना है एंड जो हाईलाइट होगा इसको आपको थोड़ा सा इसको भी इंक्रीज़ कर देना है एंड जो शेड होगी इसको थोड़ा इंक्रीज़ कर देना है एंड जो वाइट होगा इसको भी थोड़ा माइनस कर देना है एंड जो ब्लैक होगा इसको थोड़ा सा इसको माइनस कर देना है देन जाना कलर्स वाले ऑप्शन में आपको वाइब्रेशन को बढ़ा देना है एंड जो टेम्परेचर होगा इसको माइनस कर देना है एंड जाना कलर मिक्स में ऑरेंज कलर को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है एंड इसका सचुरेशन माइनस करना है लूमिनस बढ़ा देना है देन जाना येलो कलर में इसको जो ह्यू होगा इसको बढ़ा देना है एंड जो इसका सर्चुरेशन होगा उसको कम कर देना है डन उसके बाद क्या करना गाइज़ आपको जाना है डार्क ब्लू में एंड इसका जो हू होगा इसको माइनस कर देना है सचे को जो प्लस कर देना है ठीक है इतना करने के बाद आपको डन कर देना एंड इसको चले जाना कलर के नीचे वे टूल में फोटो जो कलेरिटी हुई गाइज आपको उसको बढ़ा देना है एंड जो फोटो में विगनेट होगा वो हल्का सा डाल देना है फिर उसका नीचे स्कूल करो आपको ग्रेन अमाउंट मिल जाएगा आपको उसको बढ़ा देना है एंड इसको चले जाना है इसके नीचे वाले टूल में एंड यहाँ पर जो फोटो की शार्पनेस हुई गाइज आपको उसको बढ़ा देना एंड जो गई नो ड्रक्शन होगा आपको उसको बढ़ा देना एंड नीचे मिलेगा आपको होगा कलर नोट ड्रक्शन आपको उसको भी बढ़ा देने तो कस फाइनली जो फोटो का रिजल्ट आया वो आप सभी के सामने है तो कैसे ऐसा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई तो और वीडियो को एक लाइक जरूर करना चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पहले लाइकिन को प्रेस कर लेना सो गई चलिए होगा मैं मिलता हूँ सभी से किसी और नई वीडियो में तब तक लिक गुट पा